धार कृषि उपज मंडी में अनाज तिलहन दलहन व्यापार समिति के चुनाव को लेकर कृषि मंडी में भारी उत्साह के बीच प्रचार प्रसार के बाद शनिवार को विधिवत चुनाव संपन्न हुए, जिसमें 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक 219 व्यापारियों ने मतदान कर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित 10 कार्यकारिणी के सदस्यों को चुना। वहीं देर रात मतगणना के बाद आए नतीजे में दो बार के मंडी डायरेक्टर रह चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता अनंत अग्रवाल 124 वोट प्राप्त कर प्रतिद्वंदी विष्णु राठौर से विजय हुए, जिसमें विष्णु राठौर को 92 मत मिले। कृषि मंडी व्यापारी समिति के चुनाव 3 सालों में होते हैं। ऐसे में कोरोना के चलते 5 साल बाद व्यापारियों की दो अलग अलग पैनलों ने विधिवत तरीके से चुनाव लड़ा। इस दौरान स्वास्थ्य पैनल से वरिष्ठ भाजपा नेता अनंत अग्रवाल अध्यक्ष निर्वाचित हुए। श्रीफल पैनल के विष्णु राठौर को हार का सामना करना पड़ा। उपाध्यक्ष भी स्वास्थ्य पैनल के पक्ष में गया और गोपाल सांगी विजय रहे, वहीं सचिव मुकेश राठौर बने। इस दौरान देर रात को विजय प्रत्याशियों के समर्थकों ने ढोल धमाकों के साथ विजय प्रत्याशियों का एक जुलूस भी निकाला और खुशियां मनाई। पहली प्राथमिकता रहेगी मंडी में भ्रष्टाचार समाप्त करना, दूसरा छोटे व्यापारियों को तिथि भी बता दी, परेशानी ना हो, उनका अतिक्रमण हटने नहीं दूंगा, मंडी में भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा और व्यापारियों के हित में 24 घंटे चढ़ा रहूंगा। लगभग आपकी पूरी पैनल ने सांगली पैनल का जो सफाया कर दिया है, सभी आपके सदस्य जो है जीत के आए हैं, तो जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? हमारे कार्यकर्ता व्यापारी बंधुओं को, व्यापारी बंधुओं ने बहुत मेहनत करी, जी जान से मेहनत करी, उनकी बदौलत ही मैं चुनाव जीता हूँ। कोई व्यक्ति विशेषता कोई महत्व नहीं है, कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ता मेरी पूंजी है, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया, और कार्यकर्ता के लिए 24 घंटे में तैयार रहूँगा और ये चुनाव ये चुनाव 3 साल से लिए है, 3 साल बाद में वापस चुनाव करूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ।